यार रोमी मर गया यार। मेरे साथ सो रहा था रोमी अभी, और फिर अचानक से रोमी ने बहुत जोर से चिल्लाया। रोमी, मैं उसके लिए अभी ये 250 से ब्लैंकेट लेके आई थी कि उसको गर्म करूँगी। डॉक्टर ने दवाई दी थी, वो खा के फिर सोया था। मुझे लगा कि रोमी ना ठीक हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि उसको नॉर्मल ठंड लगी है, लेकिन रोमी का पर के नीचे, एक साइड पर के नीचे और पूरा चेस्ट का एरिया है ना हाफ, वो पूरा ब्लैक हो गया था। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि वो ठीक हो जाएगा और उसने 3 दिन की दवाई भी दी। सुबह रोमी ठीक था, बेटर था, मतलब चल फिर पा रहा था। और अभी जैसे ही ना उसको मैं घर लेके आई, दवाई खिलाई है ना, उसके बाद वो इतनी नींद में था कि मुझे लगा शायद दवाई की वजह से ना उसको होश ही नहीं है। लेकिन वो ना, मुझे क्या पता था यार, वो मर रहा था वो। और उसने मेरे ब्लैंकेट के अंदर ही चिल्लाया जोर से, तो मैं अचानक से झटके से उठ गई। और जैसे ही देखा कि उसने पूरी अपनी गर्दन सीधी कर दी थी और ना पूरा मर गया यार रोमी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा था इसको मैं पाकिस्तान लेके जाऊंगी अपने साथ, और वो मेरे फैमिली मेंबर की तरह था, पूरा टाइम मेरे साथ होता था, पूरा टाइम मुझे चिपक के बैठता था, मेरी हर बात, मतलब वो ना समझता था मेरी हर बात। आज सुबह से उसने खाना भी नहीं खाया था। मुझे नहीं पता डॉक्टर ने उसे क्या दवाई थी, वो खा के ही मर गया। अब मैं उसको कैसे कहाँ लेके जाऊँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी से बॉडी देख के मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सबको। और आज की जो वीडियो है ना, वो मेरी बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और इस क्लिप से पहले मैंने जो क्लिप लगाई थी, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब्ड हो गए होंगे क्योंकि वीडियो ही ऐसी थी। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि मैं ना शेयर करूं क्या हुआ मेरे साथ, मेरे रोमी के साथ। बहुत सारे लोगों ने दुआएं की, बहुत सारी, लेकिन रोमी को दुआ लेने का भी टाइम नहीं था। उसी दिन ही मैंने ये बात उस वीडियो में इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना ली थी। उसके बाद, मतलब वो वीडियो ऑलरेडी मेरे मोबाइल में थी, एंडिंग भी कर ली थी, लेकिन जब मैं घर आई तो ये वाकया हो गया मेरे साथ। और मैं ना, हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस वीडियो में ये वाली वीडियो डाल के शेयर करूं, क्योंकि मैंने जो अभी इस वीडियो के आगे जो क्लिप लगाई है ना, वो तो मैंने खुद भी नहीं देखी, एक बार भी नहीं देखी। जस्ट मैंने उस दिन रिकॉर्ड की थी क्योंकि मैं लास्ट जो मेरा मूवमेंट था रोमी के साथ, वो मैं लेना चाह रही थी। और मुझे पता भी नहीं था कि वो रोमी का ना आखिरी दिन होगा। मैंने पता नहीं कैसे अपने आप को कंट्रोल किया। जब भी मैं, मतलब, रोमी की बात करती हूँ ना, तो मेरी आँखें भर आती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी नहीं रो। रोमी ना बहुत ही हेल्दी था, मैं, मतलब, क्या बताऊँ आपको, एक इतना माशाल्लाह से हेल्दी था, खुश था। रोमी और लूसी साथ रहते थे, मैं रोमी को कभी ऐसे पिंजरे में बंद नहीं किया। लेकिन जब से लूसी आया तो लूसी अकेला ना हो जाए, मुझे डॉग एलर्जी है, लेकिन ये लूसी मेरा डॉग नहीं है, मेरी बहन का डॉग है। लेकिन ना अभी घर में मैं लूसी को ऐसे अगर खोल दूं तो मुझे बहुत एलर्जी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए मैंने लूसी को दूसरे रूम में रखा। लेकिन मैं लूसी को बाहर लेके जाती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी लूसी अकेला ना हो जाए, इसी सिर्फ वजह से मैं रोमी को भी उधर रखती थी और पिंजरे में अंदर रखती थी। और मैं जब, जैसे पार्ट टाइम में नॉर्मली क्या होता था कि रोमी, जब मैं पार्ट टाइम में चली जाती थी या यूनिवर्सिटी क्लासेस में ना, तो रोमी को मैं उसके घर में सुला के जाती थी। उसका बहुत अच्छा सा घर बना हुआ है। लेकिन जब से, मतलब, लूसी आया तो अब मैं क्या करूँ, लूसी बेचारा अकेला हो जाएगा, तो इस वजह से मैं रोमी को पिंजरे में रखती थी। लेकिन फिर भी वो खुश था, ऐसा नहीं है कि वो अपसेट था। मैं जैसे ही घर आती थी कि रोमी को लेके आती थी, फिर लूसी को भी कभी कभी बाहर लेके जाती थी। लेकिन मुझे नहीं पता ये अचानक से कैसे हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि रोमी को कोई बीमारी नहीं थी, रोमी पूरा ही हेल्दी था। लेकिन जैसे ही मैं शिमसा अपनी फाइनल प्रोजेक्ट करके जैसे ही मैं घर आई ना, तो रोमी मुझे उसके एक दिन पहले वीक नहीं लग रहा था, उसके एक दिन पहले रोमी बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रहा था। नॉर्मली बहुत चिल्लाता है, शोर करता है, पूरे घर सर पे उठा देता है, मतलब इस घर का बॉस है रोमी। ऐसा चिल्लाता है कि हर वक्त उसको उठाओ, हर वक्त उसको बात करो, हर वक्त लूसी से ज़्यादा उसको प्यार करो, ऐसा है रोमी। तो उस दिन ना संडे के दिन वो बिल्कुल भी एनर्जी में नहीं था, वो चिल्लाया नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। और मैं पूरा दिन यूनिवर्सिटी के पीछे पागल थी, एग्जीबिशन के पीछे, थीसिस के पीछे। और मैं जैसे ही घर आई तो तब भी मैं रोमी को लिख के आई थी, और रात को मैंने केक काटा था, ये वो कुछ खाना पीना कर रही थी। अच्छा, तो मैं रोमी को भी लेके आई, रोमी पूरा टाइम मेरे साथ बैठा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि रोमी को कुछ हुआ है। लेकिन एक भी सिर्फ मैंने बात नोट की कि रोमी चिल्लाया नहीं उस दिन पूरा। और मंडे को जैसे ही मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन, इस पूरी बात को एक हफ्ता हो गया है, ये सीन रोमी के गुजर जाने का सीन उसी दिन ही हुआ था, तो इसलिए मतलब इस बात को एक हफ्ता हो गया। तो रोमी जो है ना, मंडे के दिन, लास्ट मंडे के दिन वो क्या हुआ कि ना, वो जैसे ही मैंने उससे उठाया तो मैंने कहा ये इतना वीक क्यों लग रहा है। तो मैंने उसके पर वार खोल के देखे, अचानक से उसका पर का ये वाला जो है ना, उस पार्ट में उसका पूरा डार्क कलर था। मैं बहुत डर गई कि ये क्या, कोई फंगस लग गया है या क्या हो गया है। ऐसा लग रहा था कि खून अंदर से जम गया है, क्योंकि कुछ खून वगैरह बाहर भी नहीं निकल रहा था, और ऐसा पॉकेट की तरह कुछ फील हो रहा था। मैं फोटोज अगर शेयर कर पाऊँ तो करूँगी। और फिर ना मैं जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेके गई, क्योंकि पेरेंट्स मुझे पता है बहुत वीक होते हैं। तो लास्ट टाइम भी रोमी को एक बार नाक से खून निकल गया था, और कोरिया में हम इतनी हॉस्पिटल ढूंढे, पेरेंट्स की हॉस्पिटल ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स वगैरह ज़्यादा नहीं पालते, डॉग्स और कैट्स ज़्यादा पालते हैं, तो इसलिए बर्ड्स की कोई हॉस्पिटल नहीं मिलती। तो मुश्किल से मुझे वही हॉस्पिटल मिली थी जहाँ मैं उसे लास्ट टाइम लेके गई थी। तो इस बार फिर मैं उसे लेके गई, और डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने पूरी दवाइयाँ दी। मैंने लास्ट वाली ही वीडियो में वो सारे क्लिप्स लगाए हैं, आप जाके देखिएगा कि रोमी पूरा ही मतलब वो लग रहा था ऐसे कि वो ठीक हो जाएगा, ऐसी हालत थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मर जाएगा। और मैंने उसको इमरजेंसी में डॉक्टर की दवाई लेते ही उसी को अचानक से दवाई खिलाई, और घर जैसे ही लेके आई मैंने पूरा बेड अपना गर्म किया हीटिंग मेड से, और फिर ब्लैंकेट के अंदर मैं घुस गई, और रोमी को भी अपने साथ लेके सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी। तो कुछ दिनों से मैं भी पागल हो गई थी काम करके यूनिवर्सिटी के। तो रोमी को मैंने रख दिया, 1 घंटा भी नहीं हुआ और रोमी इतना टाइम से जो इतना मतलब फुस था, बात भी नहीं कर पा रहा था। और अचानक से ऐसे सांस लेने की मुझे आवाज़ आई, मैं अचानक से इस नींद से उठ गई और मैंने देखा कि रोमी को क्या हुआ है। और फिर जैसे ही मैंने रोमी का ब्लैंकेट हटाया तो वो नॉर्मली जैसे तोते बैठे हुए थे ऐसे होते हैं, लेकिन रोमी अचानक से ऐसे वन साइड ऐसे हो गया और उसकी पूरी बॉडी ना ऐसे ऐसे शिवर कर रही थी। मैं इतना परेशान हो गई कि क्या हो रहा है, मैं इसे मतलब कैसे स्टॉप करूं इस चीज़ को, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा उसको शायद कोई दौरा वोरा तो नहीं चढ़ गया, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो मर रहा था उस टाइम। और उसने इसी हालत में एक आखिरी बार एक ज़ोर से चीख मारी, मतलब उसके बॉडी में एनर्जी नहीं थी, फिर भी उसने चीख मारी। शायद उसको सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। और उसके बाद अचानक से ही रोमी के हाथ जो है ना, नॉर्मली ऐसे होते हैं ना, ऐसे हो गए। और मैं तो उस टाइम पूरा ही पागल हो गई थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि रोमी मेरी फैमिली मेंबर की तरह है। 4 साल था रोमी मेरे साथ। इस पैरट की एज होती है 40 ईयर्स, तो 4 साल का मतलब है कि रोमी बहुत बच्चा था, उसके बावजूद इतना यंग था, हेल्दी था। क्या हुआ है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को आइडिया हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताएं, अगर किसके पास पेरेंट्स हो या किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा समझ। ये मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि रोमी नहीं है। मेरे घर में हर एक जगह पे रोमी ने कब्जा किया हुआ है। मैं जहाँ जिस टॉवल से हाथ धोती हूँ उस टॉवल में भी रोमी बैठता है, जब मैं कुकिंग करती हूँ मेरे आसपास किसी जगह पे लटका हुआ बैठा हुआ होता है सारा। मैं बाथरूम जाती हूँ तो मैं शोल्डर में बैठ के पूरा टाइम बस ऐसे ऐसे करूँ तो वो डांस करता है, फिर मैं किस करती हूँ तो वो किस बैक करता है। मतलब एक इंसान की तरह था, हर एक बात समझता था, मुंह से नहीं बोलता था लेकिन बॉडी लैंग्वेज से हर एक बात। बहुत इंटेलिजेंट एक जानवर था। ओए रोमी, मुझे ना अभी समझ नहीं आता मैं किसको रोमी बोलूँ। मतलब मैं हर वक्त ही रोमी 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 रोमी, डांस कर दो, रोमी के भूख लगी है, सारा टाइम मैं रोमी से बात करती थी। मैं किससे बात करूँ। और एक लूसी जो है ना, वो पूरा परेशान हो गया है। वो लूसी ऐसा लगता है कि ना ऐसे नहीं होता कि बीमार बीमार टाइप इधर जाके बस चुप करके बैठ गया। अब नॉर्मली लूसी को कुछ भी करो खेलता है बहुत, लेकिन अभी लूसी भी बहुत ही परेशान दिख रहा है मुझे, क्योंकि लूसी डेफिनेटली रोमी को मिस करता होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में होते हैं पूरा टाइम एक दूसरे को, मतलब दोस्त है अच्छे, लूसी और रोमी बहुत अच्छे दोस्त है। तो अब मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और मैंने फिर इमोन को बुलाया और हमने, इमोन भी बहुत रोया क्योंकि रोमी हम सबसे बहुत क्लोज है, मैंने अभी तक कुछ फ्रेंड्स को बताया तक नहीं है। और उसके अलावा फिर हमें और इमोन जाके यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे मट्टी भी नहीं मिलती आसपास के, कहाँ पे उसको दफना है यार। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मैं अपने रोमी को लेके जाऊँ और उस मट्टी में छोड़ के आऊँ, क्योंकि उसको डर लगता है ऐसे अकेले। वो मतलब मेरे साथ रहना चाहता है, हर वक्त मुझे चिपका हुआ रहता है, वो मेरे से दूर जाना ही नहीं चाहता। मैं उसे कैसे इतना दूर रख के आऊँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, भले उसकी बॉडी हो, लेकिन ये तो रोमी ना, मेरा दिल कर रहा था मैं उसे अपने पास रख दूँ, लेकिन ये नेचर है ना कि आप ऐसे जिंदा जो चीज़ होती है आप उसको ज़्यादा टाइम तक अपने पास नहीं रखते हो, मतलब जब वो मर जाए तो उसको आपको दफनाना होता है। तो मैंने पता नहीं कैसे कैसे रोमी को लेके गई और हमने उसको पूरा मट्टी खोद के उसको दफनाया है उधर। और उसके बाद ना बहुत देर तक हम उधर बैठे थे, क्योंकि रोमी को डर लगता है ना अकेले, अभी भी वो उधर ही होगा। मैं जाती हूँ उसे, मैं कभी कभी उसे देखने जाती हूँ, लेकिन वो अकेले पता नहीं कैसे। बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि वो उधर ठीक हो, डरे ना। फिर मैंने अपने, मेरे बहुत सारे कोरियन फ्रेंड्स भी हैं जिनको, जहाँ पे मैं काम करती हूँ उधर, तो वो सब लोग हैरान हो गए जब मैंने रोमी की पुरानी वीडियो दिखाई जो रिसेंटली थी ना, मंडे को डॉक्टर के पास लेके जाने वाली। तो सब हैरान हो गए कि ये कैसे मर सकता है, ये तो इतना मतलब ठीक ही लग रहा है। उसकी आंखें भी नॉर्मली इतने खुली हुई थी ना, नॉर्मली अगर बर्ड ज़्यादा बीमार हो ना तो आंखें बहुत बंद बंद हो जाती है, लेकिन रोमी इतना नहीं लग रहा था कि एक ही दिन में चला जाएगा। लेकिन अभी क्या करे, अभी जब भी मैं रोमी की कब्र में जाती हूँ ना, तो अब मैं समझ पाऊंगी अभी मैं कि जिस चीज़ के अब मैंने कभी भी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की कि मेरा कोई करीबी चला जाए इस दुनिया से। तो अभी ये मेरे लिए बहुत फर्स्ट टाइम था, और अब मैं जब भी कब्र में जाती हूँ ना रोमी को देखने, तो मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा सा कब्र खोल के देखूँ कि रोमी ठीक तो है, रोमी है उधर के नहीं है। मुझे बहुत दिल करता है कि रोमी को निकाल के आओ उधर से, और बस अल्लाह करे रोमी ठीक हो उधर, और अल्लाह सबको हिम्मत दे जिन के अपने चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी जानवर एक दो दिन भी रखो ना, आपको उससे अटैचमेंट हो जाती है। तो रोमी मेरे साथ 4 साल से था, तो अभी मैं जब ऐसी हालत में, फिर अभी क्या करें, कोई समझे ना समझे, इसलिए ऐसी हालत में पार्ट टाइम जॉब हो गई, क्लास हो गई, ये सारी चीज़ें भी फिर चलती ही रहती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए और ना आपको कहीं से छुट्टी मिल जाए, आप अपने घर पे रहो, थोड़ा सा सेट हो जाओ, फिर जाओ काम पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस अल्लाह ने बहुत सारी हिम्मत दी, घर वालों ने दुआएँ दी, हिम्मत दी, और अभी मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं YouTube के वीडियोस कैसे बनाऊँ। आज की ये वीडियो थी ना, मुझे आज लगानी थी, क्योंकि आप लोगों को भी स्पेस देना था कि आपको अचानक से मैं ये न्यूज़ ना दूँ। तो इसलिए मैंने कुछ दिन, एक हफ्ता अपने आप को भी टाइम दिया कि मैं थोड़ा सेट हो जाऊँ, फिर से ये वीडियो बनाती हूँ। लेकिन मैं आज सारा दिन इस वीडियो से भाग रही थी कि मैं क्या बात करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा इस वीडियो में, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैं बहुत दिनों से रोमी के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर रही थी, कुछ दिनों से, लेकिन आज फिर से डिस्कस किया तो मुझे बहुत याद आ गई रोमी की। मतलब मेरे पूरे कपड़े इधर उधर से फाड़ता रहता था, इधर घुसता था, ऐसे करता था, जो भी घर में आता था दोस्त सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था। तो रोमी हमेशा मुझे याद रहेगा, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ के चला गया। अभी बस ना मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इंस्टाग्राम वगैरह में भी पोस्ट करूं। ये मैंने न्यूज़ अभी तक किसी को नहीं दी थी, लेकिन मेरे पास कुछ पुराने फ़ोटोज़ वगैरह थे, वही अपलोड कर रही थी, क्योंकि एक्टिविटी मतलब करते रहना चाहिए। अगर जैसे आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम करते हो तो हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम ये भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी एक काइंड ऑफ जॉब होती है, तो स्टॉप नहीं होना चाहिए इस चीज़ से। लेकिन मेरे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि कुछ एंटरटेनमेंट वीडियोज़ करूँ यूट्यूब की, या फिर कुछ फोटोग्राफीज करके अपने इंस्टाग्राम में लगाऊं। तो इसलिए फ़िलहाल मैं शायद कुछ दिन इंस्टाग्राम में नहीं पोस्ट करने वाली हूं, जब तक मैं थोड़ा बेटर से फील करूं। और यूट्यूब में नेक्स्ट वीडियो क्या आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली मैं आप लोगों से टच में रहूंगी। आप लोग बहुत दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह हिम्मत दे मुझे और उन सबको जिनके अपने चले जाते हैं। और लास्ट में मैं बस इतना दिखाना चाहती हूँ कि मुझे रोमी की याद में मैंने एक रोमी का एक भालू है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने ना अपने पास रख दिया है कि मैं इसको हमेशा अपने पास रखूँगी, क्योंकि ये डोनट मैंने रोमी को लेके दिया था और इसमें रोमी ना ऐसे से काट काट के खाता रहता था, हमेशा ऐसे से अपनी बीक करता रहता था। और जब मैं इसको ऐसे ऐसे करती हूँ ना तो मुझे रोमी बहुत याद आता है, क्योंकि रोमी इस आवाज़ के पीछे पागल हो जाता था, फिर इसके साथ खेलता था, इसके ऊपर सोता था। तो ये मैं हमेशा अपने पास रखने वाली हूँ, मेरे रोमी क्या है ये। और उसके अलावा मैं ना मार्केट से मिनिएचर ऐसे लेके आई थी, ये पैरट जो कि पूरा रोमी जैसा ही है। अल्लाह ने पता नहीं कैसे मुझे ऐसे येलो कलर का ही दे दिया, नॉर्मल ये से मिलना आसान नहीं था, लेकिन मैं ढूंढने गई, अचानक से मिल गया। तो ये मेरा रोमी हमेशा मेरे पास रहेगा, रोमी की याद में। तो जब मैं इसको देखती हूँ फिर मुझे महसूस होता है कि रोमी मेरे आसपास है। तो बस आप बहुत सारी दुआएं कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच बहुत सारी दुआएं करने के लिए, लेकिन रोमी को टाइम ही नहीं मिला वो दुआएं लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? और अगली वीडियो में मिलते हैं, और कोई परेशान नहीं होइएगा, मैं ठीक हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़, बाय बाय। Remember me, though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry, for even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you, the only way that I can be, until you're in my arms again. Remember me. Secret song to you, each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Now that I'm with you, the only way that I can. Until you're in my arms again. Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry, for even if I'm far away, I'll hold you in my heart. I'll sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you, until you're in my arms again.